तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, सीन्स कुछ ऐसे एक लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। अच्छा भाई, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेनली दो टॉपिक के बारे में। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे भाई ग्लेशियर की दुनिया से हमारे पास आ रही है एक और न्यू ग्लेशियर वेपन 3.5 अपडेट के अंदर। वो कौन सी वेपन है, दिखती कैसे है, वो तो तुम लोगों को मैं आगे दिखा ही दूंगा। लेकिन सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो भाई हमारा है मैप के विनर का। भाई हमारे मैप के ऊपर गिव अवे चल रहा था जो कि मैंने अनाउंस कल कर लेना था, लेकिन कल के लिए कोई कंटेंट नहीं था तो हम आज अनाउंस करेंगे कौन विनर है, कौन किसने विन किया है, ये तुम लोग को वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वो जरूर से कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्लेशियर की दुनिया से भाई हमारे पास आ रही है एक और न्यू वेपन। जैसे कि तुम लोग को पता ही है पबजी मोबाइल के अंदर ऑलरेडी ग्लेशियर गन एग्जिस्ट करती है, जिसमें से सबसे रेयर है M416 ग्लेशियर। वैसे रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ओल्ड, पहले रेयर थी, अब ये रेयर नहीं रही। यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो ग्लेशियर वेपन के साथ हर एक चीज जो है ना वो ग्लेशियर की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लेशियर जो है ना गन ही है, अटैचमेंट पीस की ग्लेशियर है। अब इसके अलावा भाई एआर के अंदर हमारे पास AKM ग्लेशियर भी है, यहाँ पे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भाई हमारे पास UMP ग्लेशियर भी यहाँ पर मौजूद है, तुम लोग देख सकते हो। इसके भी अटैचमेंट्स वगैरह है और ये भी काफ़ी बढ़िया गन है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना ऐसी वैसी है। अब भाई हमारे पास दोबारा से एक और ग्लेशियर वेपन आने वाली है। एक का तो भाई तुम लोग को पता था, मैंने तुम लोग को बोला था कि स्कारल आ रही है ग्लेशियर वाली, उसका तो मैंने तुम लोग को बता दिया था। लेकिन अभी न्यूज़ हमारे पास ये आ रही है कि हमारे पास SMG में से UIZ है या UZI है, जो भी है भाई, इसकी गन स्किन जो है ना वो आने वाली है, वो भी ग्लेशियर में। अब वो दिखती कैसी है वो तुम लोग के स्क्रीन के सामने तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। 100% ऐसे नहीं होगी, ये एक रेफरेंस इमेज है, इससे भाई तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लेशियर की गन जो आ रही है UZI की वो किस टाइप की दिखेगी। अब भाई मुझे लगता है कि ये लेवल 5 की ही गन होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेवल 7 लेवल 8 की गन कोई जो है ना UZI की होगी। वैसे पबजी मोबाइल के अंदर मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूं, अभी तक UZI की ना कोई भी ऐसी स्किन नहीं है जो लेवल 7 लेवल 8 की हो। तो मे भी पबजी मोबाइल हमें जो है ना UZI की लेवल 7 लेवल 8 वाली गन दे दे ग्लेशियर स्किन के अंदर। तो ये भाई थी एक न्यूज़, एक अपडेट। अभी भाई इस अपडेट के साथ साथ हम बात कर लेते हैं हमारे रॉयल पास के रिलेटेड भी। रॉयल पास के रिलेटेड भाई हमारे पास फर्स्ट जो रैंक है ना नेक्स्ट रॉयल पास का, A10 रॉयल पास का, उसके ऊपर भाई जो आउटफिट आ रहा है भाई मुबारक हो, दोबारा से फीमेल करेक्टर का आउटफिट आ रहा है रैंक 1 पे। आउटफिट कैसे दिखेगा स्क्रीन के ऊपर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आउटफिट है। जैसे कि तुम लोग को पता है बर्फीला थीम आ रहा है, तो आउटफिट भी सारे जो है ना वो गरम गरम आ रहे, मज़े मज़े के आ रहे। तो आउटफिट देखकर तुम लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कौन सा आउटफिट है कौन सा नहीं। लेकिन भाई इस पिक्चर में तुम लोग को जो है ना ये करेक्टर के हाथ में गन भी देखने को मिल रही होगी, तो भाई दूर से ये जो है ना मतलब स्कारल की तरह दिखती है, बट आई थिंक ये स्कारल नहीं है, ये हमारे पास भाई MK13 नाम है उस गन का या कुछ नाम है, ये वो वाली गन हो सकती है। मैं तुम लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ वो गन अगर मेरे सामने आ गई तो। यहाँ पर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ DMR में है आई थिंक। ये मुझे लगता है या तो भाई ये वाली गन होगी या भाई ये जो है ना ये वाली गन होगी, इन दोनों में से कोई एक गन जो है ना हो सकती है जो कि स्क्रीन के ऊपर तुम लोग को देखने को मिल रही थी। तो भाई ये हमारी जो है ना लीक्स की बात हो गई। अभी हम आते हैं उन विनर की तरफ, उस विनर की तरफ जिसने भाई मेरे मैप के अंदर विन किया था। अब भाई पहले तो ये सुन लो कि मैंने तुम लोग को बोला था जो भी बंदा मेरे मैप के अंदर ज़्यादा टाइम खेलेगा उसको रॉयल पास की UC सेंड होगी। तो भाई यहाँ पर तुम लोग फर्स्ट नंबर पे एक बंदा देख सकते हो जिसने 2 घंटे 6 मिनट खेला है, मतलब ऑलमोस्ट 2.6 आवर खेला है। यहाँ पर जितने ही बंदे हैं उन्होंने 0.2 0.2 0.1 ऐसे नीचे जाते जाओ, इनमें से किसी ने ज़्यादा टाइम नहीं खेला। अब यहाँ पर मैं और कमेंट ऐड कर रहा था लेकिन और कमेंट ऐड ही नहीं हो रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट हो गए थे। तो चलो आ जाओ मैं यहाँ पर तुम लोग को दिखाता हूँ, ये वो कमेंट्स तुम लोग को मैं दिखाने वाला हूँ जो फीचर नहीं हो रहे, क्योंकि कमेंट का जो वो सेक्शन था वो भर गया, उसकी लिमिट जो है ना वो फुल हो गई। अब यहाँ पर वो बंदे हैं जिन्होंने भाई कमेंट्स भी किए हैं, गेम भी खेला है और प्रूफ भी मेरे पास है। फर्स्ट नंबर पे भाई यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 0.1 आवर इसने नहीं विन किया। यहाँ पर सेकंड नंबर पे भाई तलहा नाम का एक बंदा है जिसने 7.9 आवर मेरा मैप खेला है। तो भाई थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मेरा मैप खेलने के लिए। तो भाई ये जो है ना फिलहाल के लिए टॉप पर है, देखते हैं कि 7.9 से किसी ने ज़्यादा मेरा मैप खेला है कि नहीं। अगर किसी ने नहीं खेला, ओके भाई साहब, यहाँ पर एक बंदे ने खेला है, इनसेन नाम है इसका,
बट ये बंदा ऑलरेडी विन कर चुका है, उसका प्रूफ तुम लोग के स्क्रीन के सामने देख सकते हो। इसको रॉयल पास मिल चुका है, तो दोबारा इसको रॉयल पास नहीं मिलने वाला। फिलहाल तलहा जो है ना वो टॉप पर है, देखते हैं तलहा से ज्यादा किसी ने खेला है कि नहीं। 7.9 जो है ना वो तलहा ने खेला था, और यहाँ पर हम नीचे आकर चेक कर लेते हैं कि तलहा से ज्यादा किसी ने खेला है या नहीं खेला। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है तलहा से ज्यादा जो है ना अभी तक किसी ने नहीं खेला। और जी हाँ, मैं यहाँ पर और भी नीचे आ रहा हूँ, तुम लोग को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि तुम लोग को पता चल सके कि भाई यही बंदा सच में विनर है जिसने 7.9 ओवर खेले। बाकी सब ने 0.2, 0.2, 1.3, कोई जो है ना मतलब 4-5 तक भी नहीं आया। तो भाई तलहा हमारा जो है ना वो आज के रॉयल पास का विनर है। तलहा की आईडी क्या है यहाँ पर आके मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, और इसको हम रॉयल पास भी सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई चेकआउट कर सकते हो, तलहा के प्रोफाइल के ऊपर हम आ चुके हैं। और प्रोफाइल इसका शो क्यों नहीं हो रहा आखिरकार? ओके, शो हो गया है। यहाँ पर भाई तुम लोग इसकी आईडी चेकआउट कर सकते हो, और प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी तुम लोग देख सकते हो, इसको यूसी मिल चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन तलहा भाई। अब मैं तुम लोग को बता दूं कि रॉयल पास का गिव अवे फिलहाल क्लोज है, 2 दिन के अंदर दोबारा से रॉयल पास का गिव अवे स्टार्ट होगा, लेकिन किसी और मैप पर, इस पर नहीं। तो फिलहाल के लिए तुम लोग स्टॉप हो जाओ, मैं तुम लोग को जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे तुम लोग ने ना मेरे नेक्स्ट मैप के अंदर फ्री यूसी विन करनी है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करूंगा तुम लोग को भाई ग्लेशियर वाली न्यूज पसंद आएगी, क्योंकि भाई ग्लेशियर इतने आ रहे हैं कि मुझे खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार पबजी मोबाइल करना क्या चाहता है। पबजी मोबाइल ही है या नहीं ग्लेशियर मोबाइल है? खैर, मिलेंगे आप लोगों से आने वाले कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।